वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 5 करोड़ गरीब महिलाओं तक मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली चले जाने पर लोग परेशान होते हैं, इस बात को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में आवास को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। जेटली ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2022 तक हर गरीब को घर देने का है। उन्होंने बताया कि इसके तहत उनकी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नए वित्त वर्ष में सरकार ने 2 करोड़ शौचालय बनाने का ऐलान किया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटित राशि को दुगना करने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी उनकी सरकार ने रखा है।